वेलकम टू TTI, साइंस फन और मशीन्स की बिल्कुल नई दुनिया में आपका स्वागत है। बने रहिए तरक्की के साथ और कुछ भी मिस ना करें। बेंट वुड टर्निंग मशीन्स। बेंट वुड टर्निंग मशीन्स को इटली की कंपनी ब्रूसा एंड गार्बोली ने बनाया है, जिनका स्पेसिफिक मशीनरी बनाने में 40 वर्षों का अनुभव है। जब से ये मशीन मार्केट में आई है, उस समय से ही इसने अपनी पहचान बना ली थी लकड़ी के बहुत सारे कामों में, उसको मोड़ने और खास शक्ल देने में। इसकी खूबियों में ये भी शामिल है कि ये मशीन एक फिक्स गोलाई में कटाई का काम कर सकती है, और इसे खुद से या ऑटोमेटिक लगातार गोलाई में कटिंग करने के लिए सेट किया जा सकता है। आप बेंट वुड टर्निंग मशीन को इस्तेमाल करते हुए लकड़ी के 60 मिलीमीटर मोटाई वाले गोल डंडे भी बना सकते हैं, जिनका कम से कम गोल घेरा भी 90 मिलीमीटर जितना बन सकता है। ये मशीन फर्नीचर और सीढ़ियों के स्पेशल फ्रेम वगैरह के लिए लकड़ी के ज्यादा मुश्किल कर्व्ड शेप वाले स्ट्रक्चर बनाने में इस्तेमाल होती है। द सिलेंडर मिल। सिलेंडर मिल लकड़ियों को काम में लेने वाला एक नया टूल है। ये टूल किसी भी प्रकार की लंबी सर्कुलर लकड़ी या लकड़ी के पीसेस या दूसरी लकड़ियों को नोकदार कोन जैसी शक्ल में बदल देती है, वो भी बगैर किसी तकलीफ के। इस डिवाइस से 1 इंच से लेकर 12 इंच तक मोटाई वाली लकड़ी प्रोसेस की जा सकती है। जिससे हमें मिलते हैं एक दूसरे में फिट होने वाले लकड़ी के टुकड़े, जो सीढ़ियों और पलंग के पायों में लगते हैं। सिलेंडर मिल से आप 9 फुट 2 इंच की लंबाई तक लकड़ी को सिलेंडर की शक्ल में ढाल सकते हैं। इसके लिए केवल आपको पहले लकड़ी को दोनों तरफ से कट करना होता है, फिर उस लकड़ी के दोनों सिरों पर ड्रिल करके उसे मशीन के हैंडल में फिट करना होता है। इसके बाद लकड़ी को सिलेंडर मिल में लगाकर आप फटाफट सिलेंड्रिकल शेप में लकड़ियां बना सकते हैं। स्प्लिट्स ऑल। यूटा की कंपनी गुड एंड यूजफुल सप्लाई की बनाई हुई स्प्लिट्स ऑल तेजी से लकड़ियों के टुकड़े कर देती है, बल्कि फुर्ती से इन मुश्किल कामों को निपटाती जाती है, वो भी पुराने तरीकों से बहुत बेहतर। स्प्लिट्स ऑल को इस्तेमाल करते हुए आपको केवल ये ध्यान रखना होता है कि इसका ब्लेड इसके लॉक में फिट हो, फिर इस डिवाइस को हैंडल से पकड़कर नीचे की तरफ जोर देना होता है। स्प्लिट्स ऑल को लकड़हारों के अंदाज में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इससे नए लोगों को भी पुराने टूल्स का एहसास मिले। स्प्लिट्स ऑल के साथ काम करते हुए आसपास से गुजरने वालों को भी लकड़ी के उड़ते टुकड़ों से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि इसके लिए लकड़ी के चारों तरफ मजबूती से चेन बांधी जा सकती है। स्प्लिट्स ऑल स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज साइजेस में भी अवेलेबल है, जो कारगर भी है और इस्तेमाल में बहुत आसान भी। तो लकड़ियों को काटने में स्प्लिट्स ऑल ने मैदान मार लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट से कुल्हाड़ियां ही गायब हो जाएं। पॉश स्प्लिट मास्टर। पॉश स्प्लिट मास्टर को ऑस्ट्रेलियन कंपनी पॉश ने इसे लकड़ियों की कटाई करने वाली मार्केट की सबसे पावरफुल मशीन के इरादे से बनाया था। इस मकसद के लिए पॉश के कारीगरों ने इसके अंदर बने हुए हाइड्रोलिक सिस्टम्स पर खास ध्यान दिया है, इसीलिए लकड़ियों को काटने के लिए इसमें 30 टन से भी ज्यादा की पावर इस्तेमाल होती है। इंजीनियर्स ने स्प्लिट मास्टर को पोर्टेबल भी बनाया है, जिससे आसानी से आप जहां चाहें लकड़ियों के काम करने के लिए ले जा सकते हैं। काम की क्षमता को बढ़ाने के लिए स्प्लिट मास्टर एक स्पेशल सपोर्ट देने वाली डेस्क और लॉक फिल्टर के साथ लैस होती है, जिससे मशीन ऑपरेटर की थकान भी कम हो जाती है। फिर जैसे ही इसमें कोई लकड़ी का लट्ठा डाला जाता है, तो इसके पावरफुल हाइड्रोलिक प्रेस लकड़ी को ब्लेड द्वारा गुजारते हैं, और कटाई होने के बाद ये मशीन लकड़ी के टुकड़ों को बंडल बनाने में भी मदद करती है। ये सभी फंक्शनैलिटीज आसानी से समझी जा सकती है, और इंडस्ट्री में पॉश स्प्लिट मास्टर की डिमांड बहुत हाई है। कॉर्ड किंग मशीन्स। मजबूती और कारगरदगी की बात की जाए तो कॉर्ड किंग कंपनी की अपनी पहचान है। कॉर्ड किंग के मॉडल में CS2740 मॉडल 60 भी एक जानी पहचानी मिसाल है।
ये धरती पर मौजूद बेहतरीन लकड़ी प्रोसेस करने वाली मशीन्स में से एक है और एक घंटे में ये 10 कॉर्ड जितनी लकड़ी का ऑर्डर पूरा कर सकती है। कॉर्डकिंग CS2740 पे काम करना इतना आसान है कि पहले इसकी ट्रे पे लकड़ी का एक लट्ठा रखना होता है और फिर इसके हाइड्रोलिक लॉक स्टॉप को यूज करते हुए लकड़ी की सही लंबाई सेट करनी होती है। एक बार ये हो जाए तो मशीन अपनी 60 इंच की घूमने वाली आरी द्वारा लकड़ी की कटाई शुरू कर देती है। यहाँ से कटाई के बाद लकड़ी के हर टुकड़े को कॉर्डकिंग 28 वे स्प्लिट पैकेजिंग वेज में भेज दिया जाता है, जो एक मिनट से भी कम समय में हर टुकड़े को एज ए फायरवुड छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वॉलेंस्टीन WP फायरवुड प्रोसेसर। ये मशीन कनाडा की कंपनी वॉलेंस्टीन की बनाई हुई है। वॉलेंस्टीन जिप कोड फायरवुड प्रोसेसर भी लकड़ी को प्रोसेस करने वाली एक मशीन है, मगर एक फर्क के साथ। ये निजी और इंडस्ट्रियल दोनों इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। जिप कोड मशीन आपको लकड़ियां लाने, काटने और इकट्ठा करने में मदद देती है। इस मशीन के आसान पहुंच वाले कंट्रोल्स को ध्यान के साथ डिजाइन किया गया है, जिनसे ऑपरेटर की मेहनत भी कम हो जाती है और साथ साथ अगर चाहें तो इसमें मशीन वाली आरी के लिए एक होल्डर भी लगाया जा सकता है, जिससे कटाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। जिप कॉर्ड 50 फीट लंबी रस्सी को इस्तेमाल करते हुए 1200 किलो तक की लकड़ियां खींचने की क्षमता भी रखती है। इससे कटाई करने के लिए लंबे लट्ठे भी खींचकर सही जगह पर लगाए जा सकते हैं। फिर मशीन में सेट होने के बाद इसके सिलेंडर में लकड़ी को कटाई के लिए आगे बढ़ाया जाता है, जहां इसमें 25 टन की ताकत होती है। इसके बाद टूटे हुए टुकड़े आपकी डिजायर्ड जगह पर जमा होते जाते हैं। इन मॉडल्स में एक गाड़ी द्वारा जोड़कर लाने ले जाने वाला मॉडल शामिल है और इसी तरह इसका एक 3-वे हिच मॉडल भी अवेलेबल है। रैपिडो लोको 20। रैपिडो लोको 20 एक बहुत तेज मशीन है। ये तो आप CRD मेटल वर्क्स वालों से भी पूछ सकते हैं। इस मशीन को भारी कामों के लिए बनाया गया है और साथ साथ ऐसे लोगों के लिए भी जो ज्यादा प्रोफेशनल काम को पसंद करते हैं। ये पूरी तरह डीजल पर चलने वाली मशीन है और ये 60 हॉर्स पावर मोटर का इस्तेमाल करती है। इसके अलावा इस मशीन में 5 फुट वाले साइमन ब्लेड, 8 धार वाले ब्लेड्स भी शामिल हैं और ये सब मिलकर घंटे भर में 5 कॉर्ड जितनी मात्रा में कटी हुई लकड़ियां प्रोड्यूस करते हैं। रैपिडो लोको 20 की इस कदर तेज परफॉर्मेंस इसके कटिंग चैम्बर के नए डिजाइन के कारण है और इस मशीन की खास बनावट के कारण ऑपरेटर को किसी भी प्रकार की चोट वगैरह का रिस्क बहुत ही कम होता है। रैपिडो लोको 20 का सामान्य साइकिल टाइम 4 सेकंड से भी कम का है और इस पूरे सेटअप को आसानी से 4 पहियों वाली गाड़ी द्वारा कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो रैपिडो लोको 20 को खरीदते हुए आप याद रखें कि आप कम पैसों में ज्यादा प्रोडक्टिव वाली मशीन ले रहे हैं। पेज़ोलाटो TB900। पेज़ोलाटो TB900 एक नए अंदाज के साथ डिस्क की शक्ल में लकड़ी कटाई करने वाली एक मशीन है। इसे बनाने वाली इटली की एक कंपनी पेज़ोलाटो है। इस मशीन को इसलिए बनाया गया है ताकि ये लकड़ियों के लट्ठे को डिस्क की शक्ल में ऑटोमेटिक वर्टिकल स्प्लिटिंग सिस्टम द्वारा कई प्रकार के साइज और डिजाइन में तोड़ने का काम करे। पेज़ोलाटो TB900 में जबरदस्त 40 से 50 टन की कटाई करने वाली पावर है, जिससे पेज़ोलाटो को एक घंटे में 20 क्यूबिक मीटर जितनी मात्रा की कटाई करने की संभावना मिलती है। इन डिस्क शेप वुड को कन्वेयर द्वारा TB900 में ले जाया जाता है, जिसमें इनको ग्रिड की शक्ल में छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ये सब प्रोसेस आग जलाने वाली छोटी लकड़ियों के लिए है, जिनके साइज 70x70 से लेकर 150x150 साइज के होते हैं। तो दोस्तों, दुनिया भर से 8 अमेजिंग वुड प्रोसेसिंग मशीन्स की लिस्ट यहाँ पूरी हुई। आपके ख्याल में कौन सी मशीन आपको दबंग लगी, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो जाएं। फिर मिलते हैं, टेक केयर।